दोस्तों आज गेमिंग फोन्स की बात करेंगे। तो अगर आपको भी 20,000 के प्राइस में एक 90 FPS की गेमिंग वाला फोन लेना है, देन आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज हम बात करेंगे जानदार, शानदार, मजेदार गेमिंग फोन्स की। तो यहाँ पर मैं आपको तीन सबसे तगड़े गेमिंग फोन्स के बारे में बताऊंगा, और इन स्मार्टफोन में आपको बढ़िया लेवल की गेमिंग करने के लिए 144 Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट, फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर, सुपर फास्ट चार्जर और 64 MP का कैमरा मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। लिस्ट में सबसे पहले जो गेमिंग फोन आता है उसका नाम है रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G। इस प्राइस में रियलमी का एक और फोन आता है रियलमी 9 SE 5G, बट नार्जो 50 प्रो 5G रियलमी 9 SE से अच्छा है, तो मैं चूज करूंगा नार्जो 50 प्रो 5G को। अब ये वाला जो फोन है इसमें डायमेंसिटी 920 का चिपसेट लगा है, 5 लाख के प्लस इसका अंतुतु स्कोर आता है। बात गेमिंग की करें तो पबजी न्यू स्टेट को आप इस फोन से HDR अल्ट्रा पर खेल सकते हो, एंड स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग में आप 60 FPS की गेमिंग आराम से कर पाओगे। जब आप इससे हार्डकोर गेमिंग करोगे तो ये फोन हीट भी होगा। इसकी हीट को कंट्रोल करने के लिए इसमें वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम लगा है, 90 हर्ट्ज वाली एमोलेड डिस्प्ले इसके अंदर लगी है, प्लस गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। इसकी डिस्प्ले के कलर्स अच्छे हैं, एंड गेमिंग में ये डिस्प्ले आपका काम आराम से हैंडल कर लेगी। डिस्प्ले में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, और गेमिंग फोन है तो आपको 3.5 mm का जैक भी मिल जाएगा। गेमिंग फोन से कैमरा की उम्मीद मत करना, इसका 48 MP का कैमरा आधार कार्ड की फोटो खींचने के लिए ठीक होगा। वैसे 4K वीडियोस आप लोग इसके बैक कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हो। 33 वोल्ट का चार्जर बॉक्स में आता है, और बैटरी बैकअप इसमें आपको ठीक मिलेगा। बात प्राइस की करें तो 8128 के लिए आप लोगों को 18999 पे करने पड़ेंगे। इसके बाद अगला फोन आता है विवो की तरफ से, विवो T1 Pro 5G। अब ये मत बोलना कि विवो कब से गेमिंग फोन बनाने लगा, ये फोन आईकू Z6 Pro के जैसा है, दोनों में सिमिलर स्पेक्स है, सो दैट्स व्हाई मैंने इस फोन को इस लिस्ट में ऐड किया। विवो का ये फोन स्नैपड्रैगन 778G के प्रोसेसर पर आता है, और इसका अंतुतु स्कोर 5,30,000 के प्लस है, और गेमिंग में ये फोन स्मूथ एक्सट्रीम पर 60 FPS तक की गेमिंग करा देगा। बट ये फोन हैवी गेमिंग के टाइम पर हीट करता है, और अगर आपको कंटिन्यू गेमिंग करनी है तो 40 FPS का गेम प्ले मिलेगा। इसमें भी 90 हर्ट्ज वाली एमोलेड डिस्प्ले है, ये नोच डिजाइन वाली डिस्प्ले है, तो डेफिनेटली देखने में आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, लेकिन डिस्प्ले के कलर्स एंड क्वालिटी अमेजिंग है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, बट 3.5 mm का जैक नहीं है। यार ये गेमर्स की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। अब इसमें 64 MP का ट्रिपल कैमरा लगा है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी है। मुद्दे की बात यह है कि ओनली 64 MP का कैमरा अच्छा है, एंड सेल्फी भी मुझे अप टू द मार्क नहीं लगी। बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ गए होंगे। 4700 mAh वाली बैटरी के साथ आपको बैटरी बैकअप डिसेंट मिल जाएगा, और अभी कुछ ऑफर्स अप्लाई करने के बाद फ्लिपकार्ट पर ये फोन आपको 20,000 का मिल जाएगा। इसका छोटा भाई आईकू Z6 Pro का प्राइस भी हर दूसरे महीने कम होता है और 20,000 में बिकता है, तो इस फोन पर भी आप लोग अपनी नजर बनाकर रख सकते हो। अब अपना हाथ उठाओ और लाइक बटन को दबाओ, क्योंकि नंबर 1 पर आता है इस प्राइस का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन रेडमी K50i, जो प्रोसेसर 30-40 हजार वाले फोन में आता है, वो प्रोसेसर इसके अंदर लगा है। इसमें डायमेंसिटी 8100 का 5nm बेस्ड प्रोसेसर लगा है, 8 लाख के प्लस इसका अंतुतु स्कोर आता है। स्मूथ पर 90 FPS तक की गेमिंग कर सकते हो, और अगर आपको गेमिंग के टाइम पर रिकॉर्डिंग करनी है तो कंटिन्यू 60 FPS की गेमिंग ये फोन आपको आराम से करा देगा। और इसमें 144 Hz वाली IPS LCD डिस्प्ले लगी है, तो डिस्प्ले भी गेमिंग में काफी मजा देगी, और इस मजे में चार चांद लगाने के लिए रेडमी ने इसमें 3.5 mm का गड्ढा भी दिया है। लेकिन मेमोरी कार्ड इसमें आप नहीं लगा सकते, लंबे टाइम तक गेमिंग करने के लिए इसमें 5080 mAh की बैटरी है, और ठीक ठाक से फोटोज खींचने के लिए 64 MP का कैमरा है। पर कैमरा के लिए ये फोन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अब बात पैसों की करते हैं, क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बेस मॉडल का अमेजोन पर प्राइस 19999 है, पर अगर बाई चांस अभी के टाइम पर इसका प्राइस बढ़ गया हो तो आप लोग वेट करना, और इस फोन को 20,000 के प्राइस में ही परचेज करना, क्योंकि हर महीने इस स्मार्टफोन पर प्राइस ड्रॉप होते हैं। देखो फिलहाल मुझे 20,000 के प्राइस में ये तीन ही सबसे बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन लगे। आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन सबसे अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो दो टाइप के गेमर होंगे, पहले वो जिनको गेमिंग के साथ साथ बाकी स्पेक्स भी तगड़े चाहिए, तो इन लोगों के लिए विवो T1 Pro 5G बेस्ट है। सेकंड टाइप वाले लोग, वो जिनको सिर्फ तगड़ी गेमिंग करनी है, तो इन लोगों के लिए रेडमी K50i बिल्कुल तगड़ा स्मार्टफोन है। इस फोन का मुकाबला इस टाइम पर नहीं है। तो ये है मेरे फाइनल वर्ड्स इन सभी स्मार्टफोन को लेकर। अब अगर आपको वीडियो से कुछ शिकायत है तो कमेंट में बता देना, वैसे मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा, वहां पर भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।